सर, बीजेपी ऑपरेशन अंजाम की तैयारी कर रही है। जिस तरीके सियासी उठापटक चल रही है मध्य प्रदेश में, लगातार बीजेपी के कई विधायक भी पहुंचे थे, कांग्रेस के एमएलए के साथ भी जो है सीएम कमलनाथ जी ने मीटिंग की। अब माना जा रहा होली के बाद बीजेपी ऑपरेशन अंजाम की तैयारी कर रही है। बीजेपी किस अंजाम की तैयारी कर रही है? यही बीजेपी जिसने किसान के पेट पे लात और छाती पे गोली मारने का काम किया, आज किसान का कर्जा माफ होगा तो इन्हें समस्या हो रही है। और किस ऑपरेशन अंजाम की? लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का दायित्व क्या है? क्या सिर्फ सत्ता में रह के सिर्फ उसकी बात करना या सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिरने का काम करना? स्पष्ट है, हम राजनीतिक जीवन में आते हैं कि कैसे जनता की सेवा करने का, और हमारा मूल ध्येय मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करने का है। और मुझे लगता है कि कोई भी ऑपरेशन की ये तैयारी कर ले या कोई भी ऑपरेशन का नाम दे दे, ये इतने नकली डॉक्टर हैं जो व्यापम से निकले हुए हैं कि इनके बस के नहीं है कि कोई भी ऑपरेशन कर पाए। ये ओरिजिनल डॉक्टर यहाँ पे माननीय कमलनाथ जी बैठे हैं, चिंता नहीं करें, इनकी सारी डॉक्टरी बीजेपी की फेल हो जाएगी और यहाँ पे जो एमडी डॉक्टर कमलनाथ जी बैठे हैं वो सब ठीक कर देंगे। स्पष्ट रहे कि हिंदुस्तान की राजनीति के सबसे अनुभवी नेता माननीय कमलनाथ जी है, उनको हर वो चीज आती है जिससे इस देश की जनता का भला हो। और अगर किसी ने क्रिकेट में खेलना आएगा तो क्रिकेट भी खेलते उन्हें आता है, फुटबॉल आती है तो फुटबॉल भी आता है। हर खेल के माहिर खिलाड़ी के रूप में माननीय कमलनाथ जी है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी, और जिस दिन भी अगर इन्होंने फिर कोशिश करी कि कहीं भी इस प्रकार की मध्य प्रदेश में लोकतंत्र को कलंकित करने की या मध्य प्रदेश के संविधान को कलंकित करने की, इस चीज को कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और जब भी अगर काउंटिंग अगर सदन में होगी तो अभी पिछली बार 123 मिले थे, अब 123 से ऊपर।